लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में उथल पुथल देखने को मिल रही है और आज बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर आई है, जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का ऐलान किया और पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी कांग्रेस में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर पप्पू यादव से बात की हमारी सहयोगी कनिका खटारिया ने, सुनिए। यादव है आज ही अपनी पार्टी जाप पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया है, बातचीत करते हैं। पप्पू साहब, आपने आज पार्टी ज्वाइन करी, आपने विलय करवाया है, क्या चुनावी मैदान में लोकसभा में पूर्णिया में हम आपको देखेंगे एज ए कैंडिडेट के तौर पे? जनता को पूछिएगा ना, हम इसे क्यों पूछते हैं, हम तो हैं, वो तो मेरा घर है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरा खून है, हमारी मिट्टी है सीमांचल कोसी। आप बेफिक्र हैं, मेरी माँ, मेरी मिट्टी, मेरे खून को हमसे न कोई अलग कर सकता है, ना मैं उससे अलग हो सकता हूँ। जहाँ तक पार्टी के विलय का है, ये बिहार की जनता की भी सोच थी और जो 6,000-4,000 किलोमीटर देश के हर वर्ग, हर समाज और विभिन्न विचारों का जो दिल जीता है राहुल गांधी जी ने, जिनके साथ मैं बरसों से हूँ, उनके विवाद निर्णय के साथ, और राहुल जी ने जिस तरीके से एक भाई की तरह हम पर विश्वास किया, और बहुत बड़ा विश्वास प्रियंका जी ने बहन के तरह हम को हिम्मत दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। कांग्रेस हमारी जो क्षमता होगी छोटी सी, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। एक सवाल लूंगी, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा रोल रहा है आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, और दूसरी ओर हमने तमाम बिहार के नेताओं को मंच पे देखा, लेकिन बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, कहा जा रहा है कि नाराज है आपकी ज्वाइनिंग से, इसीलिए मंच पे आपके बगल में बैठे हुए नजर नहीं आए। देखिए, ये मुझे कोई पता नहीं, अखिलेश जब हम MLA MP थे तब अखिलेश जी प्रोफेसर थे, वो हम जब 2 बार MP बन गए तब वो राजनीतिक जीवन में आए, और मेरा अखिलेश जी से राजनीतिक जीवन से पहले ही रिश्ता रहा है और व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। मैं उनका सम्मान करता हूं, और पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा रहेगा। जब तक वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं एक अनुशासित वर्कर की तरह अखिलेश जी को हमेशा सहयोग करता रहा। ठीक है, लेकिन पप्पू यादव के बेटे जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, आप पापा के साथ यहाँ मौजूद है, क्या राजनीति पारी जो है कांग्रेस के साथ शुरुआत करेंगे आप? नहीं, अभी मेरी पारी ग्राउंड पे चल रही है, दिल्ली के लिए ही चलेगी खेलते हुए, और आगे की पारियाँ जब सही बताएगा जरूर पता चलेगा सबको। अच्छा, घर में एक तरफ कहा जा रहा है कि मम्मी ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में है, पापा की अलग पार्टी थी, अब दोनों की एक ही पार्टी हो गई है, तो क्या घर में भी कुछ माहौल में चेंज आएगा? नहीं, माहौल दोनों एक ही पार्टी के अलग दावेदार होंगे? नहीं, माहौल घर का घर जैसा ही रहता है, घर के अंदर कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है। हाँ। और घर में सिर्फ एक ही की चलती है, तो उन्हीं की चलती रहेगी आगे भी। देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन आगामी दिनों में लोकसभा के चुनाव है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो विलय हुई है, जाप पार्टी के जो विलय हुआ है कांग्रेस पार्टी में, बहुत जल्द कहा जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पे चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये फैसला अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन जाप पार्टी का विलय का कारण सबसे बड़ा यही है कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं।